नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। रेलवे स्टेशन पे अब किसी रिश्तेदार को छोड़ने जाइएगा तो जरा सोच समझ करके। यूं तो पूरी की पूरी ट्रेनें अभी तक नहीं चली है, लेकिन स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी गई है। प्लेटफॉर्म पे जाने की मनाही थी, लेकिन अब उसे खोल दिया गया है एक चोट के साथ। जी हाँ, आपको याद होगा कोरोना काल के दौरान जब रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ाया था तो 50 रुपये का टिकट खूब वायरल हुआ था कि ये क्या हो रहा है। तर्क दिया गया था कि चूंकि कोरोना का दौर है, भीड़ भाड़ से बचने के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन अब एक बार फिर से रेलवे सुर्खियों में है। उसने नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कि प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये से बढ़ा करके 3 गुना यानी 30 रुपया कर दिया है। ठीक इसी तरीके से यदि आप दिल्ली से गाजियाबाद आते थे, 10 रुपये का टिकट लगता था, तो अब उसे भी बढ़ा करके लोकल ट्रेन का किराया 30 रुपया कर दिया गया है। तर्क ये दिया जा रहा है कि हम चाहते हैं कि लोग अनावश्यक यात्रा ना करें, घरों से कम निकले, भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए ये बढ़ाया गया है। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से डीजल, पेट्रोल, CNG, PNG, LPG की कीमतें बढ़ाई गई। एक तरफ लोग कोरोना में अपने जॉब्स खो चुके हैं या सैलरी कम हो चुकी है, दूसरी तरफ सरकार है कि सब कुछ जेब काट लेना चाहती है, आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। डीजल पेट्रोल पे का दर जब कम करने की बात आ रही है तो उस पर विचार हो रहा है, मौसम बदलेगा तो दर बदल जाएगी। और इधर जो है रेलवे ने भी एक और चोट कर दी है। आप सोचिए जरा, ट्रेनों में और वो भी लोकल ट्रेनों में कौन लोग यात्रा करते हैं? सामान्य लोग यात्रा करते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा करके ड्यूटी करते हैं, अपना धंधा करते हैं, और उसका किराया 3 गुना बढ़ाना, प्लेटफॉर्म टिकट यदि आप 3 गुना बढ़ाते हैं तो भी एक बार बात समझ में आती है। लेकिन लोकल का किराया बढ़ाने के पीछे आपका क्या तर्क है? क्या लोग बिना काम के घरों से निकलते हैं, ये सरकार कहना चाहती है? दरअसल सरकार के पास कोई जवाब है ही नहीं। सरकार तो महंगाई पे महंगाई लादे जा रही है, अपना बैलेंस बढ़ाती जा रही है, अपना खाता उसे दिख रहा है, आम आदमी का खाता नहीं दिख रहा है। उसके खाते में, उसके बटुए में पैसा है भी कि नहीं है, और वो लाएगा तो कहाँ से लाएगा, इसकी फिक्र किसी को नहीं है। तो इस तरीके से रेलवे ने भी एक और चोट कर दी है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।